नमस्कार दोस्तों, राज एमटीडी में आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले मेहता सिटी रोड कल्पतरु फैक्ट्री से मुझे रेस्क्यू कॉल आया है। सुशील जी प्रजापत जो हमारे मेहता रोड से है और शायद यहाँ पे काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया है। उनकी फैक्ट्री में एक सांप देखा गया है, तो सांप मेरी आंखों के सामने है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये एक कोबरा प्रजाति का सांप है जो कि बहुत जहरीला होता है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम पाया जाता है। अगर ये किसी इंसान को बाइट कर ले और समय पे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, एंटी वेनम इंजेक्शन नहीं लगाया गया, तो 2.5 से 3 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। तो अब करते हैं इसको रेस्क्यू, बने रहिए हमारे साथ। सही है ना? ताऊ जी लकड़ी दे दो नी। साबुन साबुन
शाह भड़को मायने नहीं नहीं आप फोन लाओ करने पकड़वा लिया देखो भाग रहे नमस्कार दोस्तों अरे आडो करो यार मोबाइल भाई साहब नमस्कार दोस्तों जिस शाम को मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था उसको मैंने करीब करीब रेस्क्यू कर लिया है तो ये कॉमन कोबरा है जिसको हमारी मारवाड़ी भाषा में कालिंदार कहते हैं और हिंदी में नाग कहते हैं और इंग्लिश में इसको कोबरा कहते हैं और साइंटिफिक नेम इसका नाजा नाजा है और ये एक हेल्थी नागिन है नाग नहीं है और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है इसकी एक बूंद जहर 20 से 25 आदमियों को मारने में सक्षम है और हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा मौतों का यही सांप जिम्मेदार है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमारे राजस्थान में हर साल 10 से 15 हजार लोग इसी सांप के काटने से मरते हैं और लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से जागरूक करना चाहता हूं कि लोग सांप के जहर से कम मरते हैं और हार्ट अटैक से ज्यादा मरते हैं क्योंकि ये जब भी किसी को बाइट करता है तो फर्स्ट बात तो यह है कि यह किसी इंसान को बाइट करता ही नहीं है गलती से इसके ऊपर किसी का पैर दब जाए तो यह सांप बाइट कर लेता है और यह अपना जहर सिर्फ अपने शिकार के ऊपर छोड़ना चाहता है इंसान के ऊपर छोड़ना ही नहीं चाहता है और 70% ये ड्राई बाइट करता है जहर नहीं छोड़ता है मगर इंसान की डर के कारण मौत हो जाती है तो सबको मैं जागरूक करना चाहता हूं कि इस तरीके का सांप कभी आपको नजर आ जाए तो उसको छेड़ने की कोशिश ना करें और मेरा वीडियो देख के मुझे कॉपी करने की कोशिश ना करें क्योंकि इस तरीके से आपको सांप को हैंडल करने के लिए किसी स्नेक सेवर के पास कम से कम 2 साल सीखना पड़ेगा तब आप इस तरीके से सांप को हैंडल कर पाओगे वरना आप अपनी मौत को न्यूता दोगे और जब भी कभी ऐसे सांप की किसी को बाइट हो जाए तो मरीज को ज्यादा डराए नहीं उसको यही कहे कि तुम्हें बगैर जहर वाले सांप ने काटा है और जहां से काटा है उससे थोड़ा जगह छोड़ के किसी पट्टी से बांध दे और जो भी आपके नजदीकी हॉस्पिटल है जल्दी से जल्दी आप उसको हॉस्पिटल ले जाए और एंटीवेनम इंजेक्शन लगेगा तो आपकी जान बच जाएगी अगर आपने जाड़ फूंक तंत्र मंत्र भोरा बेपू के भोपा के चक्कर में 2.5 से 3 घंटे खराब कर दिए और इसका जहर अगर एक बार इंसान के दिल और दिमाग में पहुंच गया तो आपको दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं सकेगा तो एक बार मैं इसको डब्बे में रेस्क्यू कर लेता हूं फिर इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा
नमस्कार दोस्तों, जिस कोबरा को मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था उसको मैंने बगैर कोई चोट पहुंचाए सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है और अब ले जाके मैं इसको दूर जंगल में इसके नेचर में रिलीज कर दूंगा। सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सांपों की संख्या बहुत घट रही है तो ऐसे सांपों को मारे नहीं, इतने बड़े सांप बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सांप हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे पर्यावरण के मित्र है, हमारे किसानों के मित्र है। एक साल में चूहे किसानों का बहुत सा अनाज नष्ट कर देते हैं और ये उन चूहों को खाके उनकी आबादी कम करता है और चूहों से काफी बीमारियां भी फैलती है। चूहा हर महीने 8 से 10 बच्चे देता है और ये साल में सिर्फ 20 से 25 बच्चे देता है, इसलिए इसकी आबादी बहुत घट रही है। सांपों को मारे नहीं, जितना हो सके सांपों को बचाए। सांप हमारे दोस्त है, हमारे पर्यावरण के मित्र है, सांपों से ही संरक्षण है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। YouTube पर राज MTD नाम से मेरा चैनल है, जिसे लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम। राज MTD में आपका स्वागत है। आज जो मैंने मेहता सिटी रोड से कल्पतरू वेयर हाउस से जो कोबरा रेस्क्यू किया था उसका जो रिलीज का वीडियो था, कोबरा को जो मैंने रिलीज किया था, वो वीडियो मेरी गलती की वजह से डिलीट का बटन लग गया और वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया है। तो मैं रिलीज का वीडियो इसके अंदर एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने काफ़ी रिकवर करने की कोशिश की उस वीडियो को, मगर मैं नहीं कर पाया हूँ, तो कृपया मुझे क्षमा करें। और इस वीडियो को मैं सांप को रिलीज करते हुए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ।